गले तक ही संतुष्ट मत रहिए, गले तक ही है ना, हाँ तो इतना ही संतुष्ट मत रहिए, आगे सोचिए कि आपके बड़े भाई कहाँ तक बढ़ गए, वो अपने यानी स्वभाव बस, कर्म बस, त्याग बस उनका, यानी नहीं कहते हम अपने बड़े की शिक्षा लेते हैं, इसलिए मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छे साधक बनिए, इतने अच्छे साधक बनिए कि हम भी सोच में पड़ जाएँ। क्या सोच में पड़ जाएँ ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, समझ जाइए। आपके लिए समय है, आपके त्याग से मैं प्रभावित हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, मैं चाहूँ अभी इसी क्षण कुछ भी कर सकता हूँ, अध्यात्म के विषय की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ठीक। या यहाँ पे हमारी बहन बैठी हुई है, वो तो इच्छा मात्र से ही आपको ऊपर की यात्रा करा देगी, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे साधकों ने लिखा कि देखो ये कैसे पोज बना रहे, हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, देखो व्यक्तिगत मुझे आपत्ति नहीं, मैं तो योगी हूँ लोग, लेकिन आप सन्यासी के रूप में हैं, क्या है, ठीक है। आप किसी को अभी ज़्यादा मत बताएं, तभी तो मैंने पूछा क्या आप किसी को ऐसा समझा रहे हैं, आप शांत होकर के अपने आप में रहें, सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए जो ज़रूरतें हैं यानी जीवन, उसके लिए याचना कर लीजिए, किसी से करिए, लेकिन अभी ये मत सोचिए कि लोग आपको जाने, यानी आप किसी को समझाएं, ठीक, समझ गए ना। अभी टीचर ना बने, स्टूडेंट बने रहें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है, करिए। मुझे अच्छा लगा आपके त्याग को देख के, लेकिन उसका फ़ायदा भी लीजिए, आप फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, बस बस ठीक है। लेकिन एक बात और है कि आप वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कहता हूँ, चाहता तो मैं फेसबुक पर भी लिख सकता था, मगर नहीं लिखा कभी प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष यानी सभी साधकों से कहने पर कुछ असर पड़ता है, अकेले में तो मतलब जो उसमें मैसेज करूँगा तो कुछ शायद उतना नहीं। आप स्तुति बहुत अच्छी करते हैं, वही पेस्ट करते रहते हैं, कॉपी पेस्ट, जैसे एक हमारे और साधक थे अभी स्तुति कर रहे थे, वो कॉपी पेस्ट आपने कहीं कॉपी से ली है या आपको याद है? मैं हर बार लिखता रहता हूँ गुरुदेव, लिखता रहता हूँ, किसी यानी नकल है किसी की या आपके अंदर के हैं? अंदर से कभी कभी आता, आता है। तो आप क्या लिखते हैं, क्या हमारे साधकों को बताएंगे? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप क्या लिखते हैं अभी पता लगता है कि नकल करते हैं कि वास्तव में, आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर स्वरूप श्री भगवत पाद महाभाग योगी राज परमहंस सदगुरुदेव स्वामी श्री योगी आनंद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि बारंबार दंडवत प्रणाम है प्रभु। इसके बाद गुरुदेव जो मेरे मन में भाव उस वक्त उमड़ता है मैं लिखता जाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब क्योंकि खाने में देर हो रही है, ये खाने का टाइम है, आपको अभी एक और डांट खानी पड़ेगी, पहले खाना खा लीजिए फिर मेरी डांट खा लीजिए, पेट भर जाएगा। चलो कोई बात नहीं, खाना पूरा खाइए, ये मत करिए कि गुरुजी की डांट खाने, हमारी तो ऐसे ही डांट होगी। गुरुदेव मैं तो आपके डांट से भी मेरी कुंडलिनी उग्र हो जाती है। उग्र हो जाती है तो बड़े यार, तो फिर मैं डांट नहीं लगाऊंगा। सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, मैं जैसे साधना कम हो जाती है ना, खाली स्मरण करता हूँ, मैं भोजन भी बना रहा होता हूँ, मुझे स्मरण आता है ना तो मेरी पीठ में सनसना अब होने लग जाती है तुरंत यहाँ, और रात को भी मैं जब सोता हूँ उस वक्त आप आ जाते हैं ना जैसे, तो यहाँ गुरु गुरु अगर साधक की डांट लगा रहा है तो समझ लो कि गुरु प्रेम कर रहा है। गुरुदेव जी मेरे परम सौभाग्य, बाप अगर पुत्र को डांट लगा रहा है तो इसका मतलब डांट क्यों लगा रहा, प्रेम कर रहा है। अगर लड़का शैतानी कर रहा है और पिताश्री चुप हैं या कहते हो करेगा मुझे क्या लेना देना है, तो समझ लो अनदेखा कर रहा है, यानी इतना प्रेम नहीं, जो प्रेम करेगा वही डांट लगाएगा, ठीक है, बुरा नहीं मानना। नहीं गुरुदेव मैं तो परम सौभाग्य हो गया, अपनी जगह पे बैठो, समय पूरा हो रहा है, 1:30 बज गया, मैं खाने का समय सोचा कि बाद में फिर क्यों परसे करूँ, बाद में बात करेंगे। ये सन्यासी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत त्याग किया है, इंजीनियर हैं, नौकरी नहीं की है, पिताजी से थोड़ी कम बनती है,
उन्हीं की शिक्षा लेकर के आप पता नहीं सन्यासी हो गए कि नहीं, ये खुद बताएंगे, आगे चलकर पूछूंगा। यानी कुल मिलाकर बहुत अच्छे सन्यासी हैं, मगर नवयुवक होने के कारण, पढ़े लिखे होने, कभी कभी थोड़ा बह जाते हैं। यानी अच्छा पोज कैसे फेसबुक पे आए वो भी डाल देते हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.